हेलो गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं एक नए रेसिपी के साथ। तो वो क्या है, हम लोग आज बनाने वाले हैं राजमा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ले लिए हैं 250 ग्राम राजमा। चार बड़े साइज का प्याज हमने स्लाइस काट लिया है। बारीक कटी हुई धनिया, टमाटर और लहसुन का एक गांठ छील के हमने रख लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, राजमा हमने रात को ही भिगो कर रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था सुबह हम राजमा बनाने वाले हैं। लेकिन आप लोग अगर राजमा रात को भिगो कर नहीं रखे हैं, तो आप लोग सुबह गर्म पानी में बनाने से 2 घंटे पहले भिगो कर और कुकर में 2-3 सीटियाँ लगा लेंगे, तो राजमा रात को नहीं भी भिगाएंगे तो सुबह आप लोग सब्जी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम गैस चूल्हे को जला के और कुकर को चूल्हे पर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, कुकर हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे तेल। चूल्हे का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे फ्रेंड्स। ये जाएगा साबुत जीरा। आज हम सूखी मिर्च का यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये जाएगा सूखी मिर्च। 3 सूखी मिर्च हमने डाला है फ्रेंड्स। ये जाएगा तेज पत्ता। और हम प्याज को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। स्वाद अनुसार नमक। प्याज के साथ हमें राजमा भी ऐड कर देना है फ्रेंड्स, और कुकर को बंद करके 2 सीटियाँ लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है करछी की मदद से फ्रेंड्स, और कुकर को बंद करके और 2 सीटियाँ आने का इंतज़ार करना है। फ्रेंड्स, कुकर हमारा 2 सीटी दे दिया है, तो अब हम गैस चूल्हे के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब कुकर खोल के और उसमें हम मसाला ऐड करेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। ये जाएगा 1 चम्मच हल्दी, ये जाएगा 1 चम्मच जीरा धनिया का पाउडर, ये जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके और लो फ्लेम पे हम मसाला को भूनेंगे। कुकर बंद नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम सिर्फ ढक के और मसाला को भूनेंगे। फ्रेंड्स, मसाला हमारा भुन चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हाँ दोस्तों, इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, पानी आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिस जैसा ग्रेवी बनाना हो उतना पानी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग कम ही लोग हैं, तो हमने कम ही पानी यूज किया है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं मेंबर के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, पानी हमने ऐड कर दिया, तो इसको ढक के और 5 मिनट तक उबलने देंगे सब्जी को। तो
फ्रेंड्स हमारा सब्जी बन चुका है, तो हम गैस चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सब्जी बन चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा राजमा सब्जी बन के रेडी हो चुका है। तो ठंडी के मौसम में राजमा और चावल खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। तो अगर हमारा रेसिपी आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं और फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।